एमिटी यूनिवर्सिटी और झारखंड रेणुका आर्ट्स के सहयोग से रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्पर्श लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 15 विशिष्ट व्यक्तियों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि इस बार पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री अशोक भगत समेत अन्य गणमान्य इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजे गए। और इस मौके पर एमिटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रभाकर त्रिपाठी, रेणुका आर्ट्स के प्रेसिडेंट अजय मलकानी भी मौजूद रहे। And I welcome sir to receive the award in the stage. Thank you so much sir. It is happening to know that one of our awards. सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क में और फिर परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म एंड देन परफॉर्म। बिल्कुल सर, जीवन में आपके आंतरिक रिदम को सही करेगा और मेरा मानना है कि एमिटी परिवार में ये जो सम्मान समारोह हुआ है और जितने भी सम्मानित व्यक्तित्व तो रहे हैं, ये खुद अपने आप में अनुभव और ज्ञान के चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब बच्चे इन लोगों को सुना, इन्होंने देखा कि ज़िंदगी में इन्होंने किस तरह से संघर्ष करके इन्होंने अपनी उपलब्धियाँ पाई हैं और समाज को ये मतलब दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो इस तरह से बच्चे जब इनको साक्षात देख रहे हैं तो उनमें निश्चित रूप से एक प्रेरणा आई होगी कि हमें भी आगे कुछ इसी तरह से करना है ताकि इसी तरह से हमें अचीवमेंट मिले। हमें देखिए, रेणुका आर्ट ने पिछले वर्ष से यहाँ पे सम्मान देना शुरू किया है, क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जो महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने इतना काम किया है, उन्हें सम्मानित करके हम लोग रेणुका आर्ट के लोग गौरवान्वित होते हैं। और ये दूसरा वर्ष है जबकि रेणुका आर्ट ने यहाँ इस आयोजन को एमिटी यूनिवर्सिटी में सफलपूर्वक आयोजित किया है। एमिटी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक महान विश्वविद्यालय है और जो पूरे इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है। हर जगह इसके कैंपस है, हर जगह एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ आकर बच्चों के साथ, वो भी युवाओं के साथ, जो हमारे यंग बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी मास कॉम इन सब के हैं, इनके बीच में आके इन विद्यार्थियों को एक संदेश देने का काम रेणुका आर्ट ने किया है।